और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आज हल्ला बोल। किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों ने कई जगह ट्रेनें रोकी है। कोलकाता, भुवनेश्वर, प्रयागराज में रेलवे ट्रैक पर किसान उतर आए हैं और ट्रेनों को रोकने की कोशिश किसानों की ओर से की जा रही है। और भारत बंद का असर कैसा है वो धीरे धीरे एक एक करके तस्वीरों के जरिए हम आपके सामने रखेंगे भी। अलग अलग जगह से तस्वीरें आनी शुरू भी हो गई हैं। कोलकाता से जहां पर ट्रेन रोकी गई, प्रयागराज में जहां ट्रैक पर किसान संगठनों के नेता पहुंच गए और ट्रेनों को रोका गया। हालांकि जगह जगह पुलिस फोर्स भी आज ज्यादा तैनात है और ज्यादा मुस्तैदी से हालात पर नजर बनाए हुए है। धारा 144 कई जगह लगी हुई है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। किसान आज 13वें दिन सड़कों पर हैं। इसी बीच भारत बंद के जरिए चक्का जाम किया गया है, लेकिन कहीं भी कोई हंगामा ना हो जाए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज सुरक्षा बलों के कंधों पर है, पुलिस फोर्स के कंधों पर है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, जहां एक तरफ प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर कोलकाता पर जहां रेलवे ट्रैक रोका गया और साथ ही साथ सड़कों पर यहां किसान संगठनों के अलग अलग नेता और साथ ही लेफ्ट समर्थक यहां पर नजर आ रहे हैं आपको कोलकाता की तस्वीर में, जबकि इधर प्रयागराज में किसान संगठन अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। यहां ट्रेन रोक दी गई। बिल्कुल, और आपको बता दें उसके अलावा भुवनेश्वर और महाराष्ट्र में भी किसानों की ओर से ट्रेनें रोकी गई है। देखिए इस वक्त चार तस्वीरें आपको जहानाबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर और पटना की दिखा रहे हैं, जहां पर बंद का असर साफ तौर पर दिखाई देना शुरू हो गया है। हालांकि इस बंद का सबसे व्यापक जो असर है दोपहर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक दिखाई देगा। और देखिए जहानाबाद में किस तरीके से ये पुतला फूंक कर कृषि कानून बिल का विरोध किया जा रहा है। दूसरी तरफ कोलकाता की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो एसपी कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर आए हैं, जो किसान है वो सड़कों पर उतर आए हैं, रेलवे ट्रैक पर भी कुछ किसान पहुंचे और रेल को रोकने की कोशिश की गई। तीसरी तस्वीर भी भुवनेश्वर की, जहां पर रेलवे ट्रैक पर किसान है और किसानों के द्वारा ट्रेन को रोका जा रहा है। चौथी तस्वीर पटना से, जहां पर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। आरएएफ और पटना की जो पुलिस है वो सड़कों पर तैनात दिखाई दे रही है और सुरक्षा की तमाम जो पुख्ता इंतजाम है वो सरकार की ओर से किए गए हैं। चार तस्वीरें ही नहीं, धीमे धीमे करके जब बाकी हिस्सों से भी तस्वीरें सामने आएंगी वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और इंडिया न्यूज संवाददाता जगह जगह मौजूद हैं, लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लाइव तस्वीरें हम तक भेज रहे हैं। और नैतिक जिम्मेदारी ये भी है कि आपको सही और सटीक जानकारी हम दें। जैसे कि हमारे संवाददाताओं ने बताया कि 11 से 3 बजे के बीच में चक्का जाम की स्थिति है, तो अगर बहुत जरूरी काम के लिए आपको घर से बाहर निकलना है तो फिर आप वक्त से निकलिएगा। हो सकता है कि घंटों जाम की स्थिति से आपको जूझना